हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम देखेंगे एंटोनिम वर्ड्स, जो कि आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सारे ही मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा लवली। लवली जिसका मतलब होता है सुंदर। तो इसके जो अपोजिट होते हैं अगली, ड्रैब, ओफुल। ओफुल मैंने इसका मतलब आपको सिनोनिम्स वर्ड पढ़ाए थे, उसमें भी इस वर्ड को यूज़ किया था। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, सूखा पड़ जाना। जब सूखा पड़ जाता है उसको ड्रॉट कहा जाता है। तो इसके जो अपोजिट यानी एंटोनिम वर्ड होंगे वो होगा फ्लड। यानी कि फ्लड क्या होता है? बाढ़ आ जाना। मॉइस्चर, जहाँ पे नमी है। रिफ्रेशमेंट, ड्यू। ड्यू यानी ओस की बूंदें जो होती हैं। नेक्स्ट है थर्ड एबिलिटी। एबिलिटी हिंदी में इसका मतलब है योग्यता, ठीक है। इसका एंटोनिम है हमारा इनएबिलिटी, इन कैपेसिटी, इन एडुकेसी, इन एनिटी। अब देखिए, एनिटी या कैपेबिलिटी या एडुकेसी या एबिलिटी, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। और जब आपने इन सब में इन लगा दिया है तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारे वर्ड मिले देखने को, इसलिए मैंने यहाँ पे चार चार सिनोनिम्स वाले वीडियो में भी चार सिनोनिम्स रखे थे और यहाँ पे भी चार एंटोनिम्स रखे, ताकि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आ सके। नेक्स्ट है फोर्थ एथियस्ट। एथियस्ट यानी नास्तिक, यानी जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखता है। इसके एंटोनिम्स है बिलीवर, ठीक है। थियस्ट यानी जो भगवान में विश्वास रखता है। फिफ्थ है हमारा मास्टिकेट। मास्टिकेट का मतलब होता है चबाना। जब आप खाने को चबा चबा के यानी च्यूए करके खाते हैं तो उसे मैस्टिकेट कहते हैं। इसके अलावा इसका सिनोनिम्स च्यूए भी होता है, CHEW। इसका एंटोनिम्स है गोबल, गजल, गल्प। इन सब का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को निगलना, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लें, चबाए नहीं। तो ये इसके अपोजिट हैं या एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ वर्ड हमारा फेरिवलर। फेरिवलर जिसका मतलब होता है तुच्छ या छोटी, ठीक है। तो इसका अपोजिट है सीरियस, इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल, सेंसिबल, ठीक है। तुच्छ या छोटी यानी कि कोई सिंपल सी बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते कितनी तुच्छ सी बात कर रहे हो आप, या कितनी छोटी बात कही आपने, कितनी छोटी सोच है आपकी, तो वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली यानी कि विशेष, यानी आप जब किसी विशेष स्पेशली किसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं, तो इसका जो एंटोनिम्स है वो होता है जनरली, यूजुअली, कॉमनली, नॉर्मली। तो ये क्या जनरल थिंग है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है ना। नेक्स्ट है एट्थ हमारा वर्ड, वो है एमेटर। एमेटर का मतलब होता है शौकीन, व्यक्ति जो वो किसी चीज़ को, काम को शौक के लिए कर रहा है उसको भी एमेटर बोला जाता है, या कोई शौकीन किसी चीज़ का है तो उसे भी एमेटर बोला जाता है। इसका जो अपोजिट है वो है प्रोफेशनल या एक्सपर्ट। प्रोफेशनल यानी आपका प्रोफेशन है, लेकिन आप किसी चीज़ को शौक के लिए कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? एमेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइन्थ है सेक्रेट। सेक्रेट यानी पवित्र, पवित्र, पावन, ठीक है। इसका अपोजिट है हमारा कर्स्ड। कर्स्ड क्या बोला जाता है? श्राप, है ना, श्राप। और ये क्या हो गया? एक तरीके से हमारा पवित्र है। अनहोली, यहाँ पे होली भी हो सकता है, इसका सिनोनिम्स में होली आ सकता है। अनहोली यानी अपवित्र। नेक्स्ट है टेंथ वर्ड सोबर। सोबर का मतलब होता है संयम या गंभीर। और इसका एंटोनिम है हमारा ड्रंक या एक्साइटेड, ठीक है, या एजिटेटेड या इरेशनल। तो एक्साइटेड या एजिटेटेड क्या हो गया? किसी काम के लिए आप कैसे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बस मुझे करना है, आपके अंदर बिल्कुल भी संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलेवेंथ डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट। और इसका एंटोनिम है इंक्रीज या राइज, एडिशन, प्रीमियम। अब इन सब में क्या होता है कि आप चीज़ों को बढ़ा के आप देते हो, ऐसे नहीं बोलते इसका प्राइस राइज हो गया, यानी कि बढ़ गया है इसका प्राइस, है। नेक्स्ट ट्वेल्थ पॉइंट एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका,
बेकार सी बात, मतलब इलॉजिकल बात आप कह रहे हो। तो इसका जो एंटोनिम्स होता है वो क्या है, रेशनल, लॉजिकल, रियलिस्टिक, यानी जो बिल्कुल रियल में है, ऐसा फैक्चुअल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल। 13th है हमारा पैथेटिक। पैथेटिक यानी कि निराश, करुणाजनक, यानी बहुत दुख की बात हो, जैसे दुखद, तो उसको पैथेटिक कहते हैं। इसका एंटोनिम हो गया हमारा कॉमिकल। कॉमिकल जैसे कॉमेडी करने वाला, हंसी वाली बात, या जॉयफुल, चीयरफुल, वंडरफुल। नेक्स्ट है 14th, एग्जर्बेट। एग्जर्बेट इसका अर्थ होता है तीव्र, तेज, या चिढ़ाना। चिढ़ाना यानी आप किसी की ज़रूरत है, आप उसको मदद करने की जगह क्या करो, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसे चिढ़ा रहे हो। इसका एंटोनिम है हेल्प, एड, काम, रिड्यूस, डिक्रीज। जैसे यहाँ पे बताया है एग्जर्बेट का तेज या तीव्र होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डिस्क्राइब हो गया। तो इसके दो मतलब हैं। तो आप ये जैसे हेल्प हो गया या एड हो गया, काम हो गया, ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा, और यही ऑप्शन में पूछे भी थे, दिए भी गए थे। तो दोनों आप समझ लीजिएगा कि दोनों एक एक वर्ड याद कर लीजिए, तो आपको याद रहे कि उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन आए तो आप गलती ना करें। और लास्ट वर्ड है हमारा मिरिट। मिरिट का मतलब होता है असंख्य, असंख्य, जिसको आप गिन ना सको। इसका एंटोनिम है फ्यू, लिमिटेड, काउंटेबल, मेजरेबल, बाउंडेड। तो ये थे टोटल 15 एंटोनिम्स, और अच्छे वर्ड हैं ये। आपकी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ने का फ़ायदा है कि वोकेबलरी में आते हैं, तो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं ये। एग्जाम पर्पज़ से भी आपके लिए हेल्पफुल है, और वैसे डेली लाइफ के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा लगे आपको ये वीडियो, और आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।